हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैंने एक कार ली थी नई अपने घर पे आगरा में, मतलब शुका पर। सो वहाँ से मैं अभी ड्राइव करके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ करेंटली बैंगलोर वापस जाने वाला हूँ। अराउंड 2000 किलोमीटर्स का ड्राइव है, 35 आवर्स लगेगा हम लोग को। सो देखते हैं कितना कवर होता है। अभी मॉर्निंग में हम लोग निकले यहाँ से, मैं और मेरे साथ मेरा फैमिली ड्राइवर जीतू। सो हम दोनों अभी यहाँ से निकले हैं, मॉर्निंग में निकले थे 4 बजे। एंड अभी दिखा रहा है आज 15th है, 15th को हम लोग निकले हैं। हम लोग को अराइवल दिखा रहा है बैंगलोर में 16th के आफ्टरनून 2 o'clock। सो नॉन स्टॉप हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, जहाँ भी पॉसिबल होगा हम लोग ब्रेक लेंगे। अभी कुछ प्लान नहीं है हम लोग का, जितना पॉसिबल है अभी मॉर्निंग से लेकर रात तक ड्राइव करेंगे। कहीं बीच में रुकना होगा 3-4 hours के लिए। सो वो हम लोग को प्लान करना है कि नागपुर रुकना है या फिर नागपुर अराउंड मेरे घर, मतलब शुकाबाद जो आगरा के पास है, वहाँ से 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर। सो प्लान है कि वहाँ पे देखते हैं स्टे करने के लिए, 2-3 hours रेस्ट करेंगे, वहाँ से फिर अगेन ड्राइव करेंगे या फिर उसके बाद। वो डिपेंड करता है कि हम लोग रात तक कितना कवर अप कर पाते हैं, कितना हम लोग को टाइटनेस है। सो उस पर डिपेंड करता है, ट्राई करेंगे नॉन स्टॉप भी करना है बट सेफली भी पहुँचना है, तो उसके लिए हम लोग को कितना रेस्ट लेना है वो सब डिपेंड करता है, रात तक कितना डिस्टेंस कवर होता है। एंड रोड्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने 150-200 किलोमीटर्स कवर कर लिया है मॉर्निंग से, मैंने व्लॉग नहीं किया, अभी स्टार्ट किया है। सो 200 किलोमीटर्स कवर हो गया है, बाकी आगे जो जो होता है आपको रास्ते में हम लोग व्लॉग में बताते हैं। अभी जो मैप लगा है वो बैंगलोर के लगाया हुआ है हम लोग ने। इंडिया अराइवल टाइम हमारा ये दिखा रहा है, अभी 120 ये दिखा रहा है 16th का। स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग 100-120, तो ये कुछ अभी रास्ता है यहाँ पे। तो ये बुंदेलखंड था, अभी यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे नेशनल हाईवे के लिए, यहाँ से कनेक्ट होंगे। 200 किलोमीटर जीतू ने ड्राइव किया, अभी मैं थोड़ा ड्राइव करता हूँ 200। ऐसे ऐसे करके हम लोग स्विच करते हुए जाएंगे। ये है मेरी नई कार, ऐसी लग रही है अभी, नंबर भी इसका आ गया था, रजिस्ट्रेशन भी कम्प्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे था, बिल्कुल स्ट्रेट, ट्रैफिक भी नहीं था। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, अराउंड 9 degrees का टेम्परेचर है। सो बार बार विंडशील्ड पे फॉग होता है, सो डी फॉगर को ऑन करना पड़ रहा है। तक जो फर्स्ट सर्विस थी मेरी कार की, वो भी हो गया था ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले। तो अभी हम लोगों ने ग्वालियर क्रॉस करा हुआ है, एंड ग्वालियर क्रॉस करने के बाद हम लोग के अभी 350 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो गए हैं। यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड डिस्टेंस भी हमारा अभी काफ़ी कम हो गया है, 100-120 यही स्पीड हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं धीरे धीरे। फर्स्ट ब्रेक अभी तक लिया नहीं है, अराउंड 350 किलोमीटर्स हुआ है। सो 500 पे हम लोग फर्स्ट ब्रेक लेंगे अपना। सो फर्स्ट फ्यूल ब्रेक है हमारे, ये अभी फुल टैंक करवाने हैं, फ्यूल डलवा लिया यहाँ पे, अभी चाय या फिर कुछ खाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स का करने के बाद ही रुकेंगे। अभी 400 हो गया है, तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं। फिर घर से मैं सुबह चाय बनवा के लाया था एंड ये कप्स लेकर आया था, खाना भी पैक कर रहा है बट अभी खा नहीं रहे हैं। सो ये चाय पीते हैं, यहाँ से निकलते हैं, जगह पता नहीं कौन सी है ये, बट झांसी से अराउंड 150 किलोमीटर्स आगे आ गए हम लोग। यहाँ पे बस ये फ्यूल ब्रेक लिया, टी ब्रेक लिया, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो मुझे कार का अपने ब्लैक कलर लेना था बट आजकल वो नहीं आ रहा है सो होंडा में, सो मैंने ये ग्रे कलर लिया है। एंड काफ़ी जल्दी ये गंदा होता है, मतलब इतना तो रास्ते में डस्ट भी नहीं थी, मोस्टली एक्सप्रेस वे एंड हाईवे था, उसके बाद भी काफ़ी डस्ट है ऊपर, क्योंकि ग्रे है ना इसलिए डस्ट वगैरह जो भी होता है ऊपर सेटल हो जाता है एंड काफ़ी दिखता है, विजिबल रहता है। अगर लाइट कलर होता है वाइट या फिर कुछ और तो फिर इतना नहीं होता, बट ये कलर में अगर क्लीन करके रखते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है कार। चाय पी रहा हूँ मैं, जैकेट पहना हुआ था बट वो निकाल दिया अभी क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गया है होना। यहाँ से देखते हैं, अभी हम लोग का जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल था बैंगलोर में, वो हम लोग ने 2 hours कम कर लिया है, बिकॉज नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट ब्रेक था 400 किलोमीटर्स पे, सो वो भी अभी काफ़ी कम हो गया है।
आज लगता है रात तक हम लोग हैदराबाद आ जाएंगे, जो मेरे घर से 1500 किलोमीटर दूर है। सो अगर सुबह मॉर्निंग में 4 स्टार्ट किया एंड रात तक अगर हैदराबाद आते हैं तो काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट डे फिर देखते हैं, हैदराबाद में 2-3 घंटे स्टे करते हैं, कार में हम लोग सो जाएंगे शायद से, या फिर होटल अगर लेने का मन किया तो होटल में लेके वहाँ पे 1-2 घंटे ऐसा रेस्ट करके फिर कंटिन्यू करेंगे। ये अभी तक का 5th टोल है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं अभी आगे कितने हम लोग दिन में क्रॉस करते हैं। अभी हम लोगों ने अराउंड 6-7 किलोमीटर्स को कवर कर लिया है, 200 करके ऐसे हम लोग चला रहे हैं, देन स्विच कर रहे हैं। अभी 600 हो गया, अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा मैं ड्राइव करना स्टार्ट करूँगा 200 किलोमीटर्स, फिर 800 पर दोबारा ब्रेक लेके ऐसे। नागपुर के 50 किलोमीटर पहले ऐसा रास्ता स्टार्ट हो जाता है। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे, फेस वॉश थोड़ा सा करेंगे, नींद आ रही थी। अराउंड 900 किलोमीटर हम लोग ने कवर अप कर लिया है एंड अभी 1100 बाकी है। नागपुर से शायद से 50-60 किलोमीटर हम लोग पहले यहाँ पे खड़े हुए हैं। ज़्यादा व्लॉग नहीं करा बिकॉज ड्राइव पे फोकस करना है हम लोग को एंड जल्दी पहुँचना है, इसलिए अगर व्लॉग करूँगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है ये सब। 300 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स ऐसा कर करके हम लोग डिवाइड करके बार बार ड्राइव कर रहे हैं। मॉर्निंग से कुछ खाया भी नहीं, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था उसी में बस चाय पी थी एंड उसके अलावा तो और कुछ नहीं खाया। फ्रूट्स खाए थे बीच में, वो सब मैंने शूट नहीं किया। हाईवे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे एंड ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फॉरेस्ट है। तो बीच बीच में ना यहाँ पे मतलब मंकीज और डियर तो नहीं, मतलब मंकीज काओ ये सब लोग आ रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं ना वहाँ पे लोग ने साइड में बैरिकेडिंग वगैरह करके रखा हुआ है। सो ये पार्ट जो फॉरेस्ट का है यहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमल्स वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है। सो नागपुर से पहले है ये पेंच नेशनल पार्क करके है, वो है ये मेरी कार। फ्यूल भी फिल करवाना है हम लोग को अभी, क्योंकि फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 100 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। नागपुर जस्ट अभी क्रॉस किया है, नागपुर के अराउंड 30-40 किलोमीटर आगे आ गए हम लोग। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक किया है एक, फ्यूल भी हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 60-70 रेंज दिखा रहा है, सो भी फिल करवाना है। यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप हम लोग फ्यूल का लेते हैं। सेकेंड फ्यूल ब्रेक वैसे फुल करवा रहे हैं पूरा फुल टाइम। घर से हम लोग खाना पैक करवा के आए थे, पूड़ी चाय एंड राइस, सोयाबीन राइस है, बस यही सब अभी खा रहे हैं निकाल के यहाँ से। दोबारा निकल रहे अभी यहाँ से 600 meters. ये लेफ्ट किया हम लोग ने अभी हैदराबाद के लिए। यहाँ से हैदराबाद अभी 500 किलोमीटर है शायद। आज का हम लोग का ट्रिप है जो वो 1000 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है
16 kilometers more. हैदराबाद अराउंड 380-390 किलोमीटर्स है यहाँ से. अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 4:48. सनसेट हो गया है बैंगलोर. अभी 8:30 कुछ किलोमीटर्स रह गया है. यहाँ पे भी 9:30 था, यहाँ पे भी 9:22 दिखा रहा है. अभी अभी हम लोग के अराउंड 1200 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं. यहाँ पे एक छोटा सा चाय पीने के लिए ब्रेक लिया है. हैदराबाद से अभी शायद से 300 या फिर 250 किलोमीटर्स हम लोग दूर हैं. काफ़ी नींद आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा फेस वॉश करते हैं, चाय पीते हैं, फ्रेश करते हैं हाफ एन आवर, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं जर्नी को. ये रे मेरी कार. हम लोग रुके हैं यहाँ पे, कौन सा ढाबा है, मयूरी फैमिली ढाबा ये वाला है. देखते हैं यहाँ पे हाफ एन आवर रुकेंगे, शायद एक घंटे से कार में ही सो लेंगे, नैप लेंगे, या फिर हाफ एन आवर उसके बाद निकलते हैं फिर से. 1200-1300 किलोमीटर्स कवर हो गया है, 700 अभी रह गया है. यहाँ से हाईवे अच्छा है बट 4 लेन है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, इसमें स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है इतनी. धीरे धीरे जाएंगे आराम से. वैसे भी ये आ गई हमारी चाय, पीते हैं इसको जल्दी से. फेस पे थोड़ा सा पानी स्प्लैश किया है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर चाय पी के यहाँ से निकलते हैं. चाय पी लिए है, अभी यहाँ से हम लोग फिर से निकलते हैं आगे. अराउंड 1400 किलोमीटर्स हो गए हैं. यहाँ पे फ्यूल भरवाने के लिए रुके हैं, पहले थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्यूल फिल करवाते हैं. कोल्ड नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, नॉर्मली टेम्परेचर है, बट हम लोगों ने जैकेट वगैरह कुछ पहनी नहीं थी कार के अंदर, सो बाहर निकल के थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है. बैंगलोर यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है, सो धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग आराम से. सो कल रात को भी है, मैं तो ज़्यादा नहीं सोया था, अराउंड 10:30 सोया था. मॉर्निंग में 2 बजे उठा था, सो कितना हो गया, 5.5 आवर्स की स्लीप थी. एंड जीतू भी ज़्यादा नहीं सोया था, वो भी शायद 5-6 आवर्स सोया था, तो उसकी वजह से हम लोग को अभी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है. बट 1400 किलोमीटर्स भी कवर कर रहा है, सो उसकी मतलब वो डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है. देखते हैं अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, फ्यूल वगैरह फिल करवाते हैं, उसके बाद प्लान कर रहे हैं कि अराउंड जब 1700 किलोमीटर्स कुछ हो जाएगा उसके बाद 1 घंटे का पावर नैप ऐसे की कार में लेने का सोच रहे हैं. लास्ट ब्रेक में भी हम लोगों ने सोचा था कि चाय के बाद थोड़ा सो लेंगे हाफ एन आवर, बट उसके बाद मन नहीं किया वहाँ पर, क्योंकि वो एरिया बहुत स्मॉल था, बार बार लोग आ रहे थे जा रहे थे, वहाँ पे सोना पॉसिबल नहीं था बिकॉज काफ़ी नॉइज़ था. तो देखते हैं किसी फ्यूल स्टेशन पे रुकेंगे जहाँ पे कार सेफली हम लोग पार्क करके थोड़ी देर सो सकते हैं 1 घंटे, बट अभी थोड़ा और ड्राइव करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा उसके बाद अगर हम लोग सोते हैं फिर फ़ायदा नहीं, मॉर्निंग में भी फिर सेम नींद आएगी. तो अभी थोड़ा और पुश करते हैं बॉडी को, 1600-1700 किलोमीटर्स कवर करते हैं, उसके बाद 1 घंटे या 1.5 आवर्स ऐसा पावर नैप लेके उसके बाद दोबारा से जर्नी को स्टार्ट करेंगे. लगता है कि 2000 किलोमीटर्स कम है मतलब कार में, बट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. जब आप सेम ड्राइव करते रहते हो सिर्फ हाईवे दिख रहा है, बार बार लाइट्स, बार बार गियर चेंज कर रहे हो, वो सब फिर इतना मोनोटोनस हो जाता है कि आपको फिर नींद आना स्टार्ट हो जाती है. हम लोग ने भी अभी 1400 किलोमीटर्स कुछ कवर किया अप्रॉक्स, वो भी मैंने देखा नहीं है कितना हुआ है, मैं बता रहा हूँ लास्ट ब्रेक के बाद. तो उतना कवर करने के बाद भी अभी मतलब नींद आना स्टार्ट हो गया है, सो एक्साइटिंग है. देखते हैं धीरे धीरे कब पहुँचेंगे हम लोग बैंगलोर. मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, गर्म पानी लेके आया था, इन एक मतलब काफ़ी सारे ब्लैक कॉफ़ी के सैशेज लेकर आया था, सो बस अभी यही पी रहा हूँ मैं. सो हैदराबाद और कर्नाटका में रात को फ्यूल पंप्स वगैरह बंद हो जाते हैं, सो हम लोग सेफर साइड के लिए अभी से कम्प्लीटली फुल टैंक करवा रहे हैं. सो रात को अगर ड्राइव करना है हम लोग को, तो अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी.
फिल करवाते हैं फ्यूल और निकलते हैं यहाँ से। ये हैदराबाद के लिए हम लोगों ने आउटर रिंग रोड ले लिया है। और फ्यूल ब्रेक लिया है अभी यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ से बैंगलोर अराउंड 400 किलोमीटर्स और रह गया है। अभी मॉर्निंग में अराउंड 8 हो रहा है एंड हम लोग यहाँ पे फिर से एक चाय ब्रेक लिया है यहाँ पे। बैंगलोर यहाँ से अभी 300 कुछ किलोमीटर से 350। सुबह सनराइज़ के बाद थोड़ा सा हम लोग ने मतलब एक घंटे के लिए ब्रेक लिया था बिकॉज नींद आ रही थी। एंड अभी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हम लोग का वही 1 बजे का बता रहा है। तो धीरे धीरे जा रहे हैं रुकते हुए। 1750 किलोमीटर्स कुछ हो गया है, ब्रेक लेते हैं। एंड ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था मैंने रात को भी एंड अभी भी बिकॉज एनर्जी नहीं है एंड ड्राइव करने के लिए पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। जितना हम लोग जब भी फ्यूल ब्रेक ले रहे हैं या फिर ऐसी चाय ब्रेक ले रहे हैं उसका भी मैं व्लॉग करता हूँ। यहाँ पर रुके हम लोग चाय पीने के लिए। तो बैंगलोर अभी यहाँ से 200 किलोमीटर्स रह गया है बस, ये टोल आया हुआ था तो टोल पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं एंड यहाँ से फिर निकलते हैं वापस। पता नहीं कौन सा टोल है, शायद से लग रहा है ऐसे कितने 30-40 टोल ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। 200 किलोमीटर्स यहाँ से रह गया है, जल्दी से स्ट्रेच करके निकलते हैं। हम लोग का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल अभी शायद 2 PM दिखा रहा है। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। सो बस बैंगलोर से अभी 100 किलोमीटर्स दूर है, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए रुके हैं थोड़ा सा। बैंगलोर आने वाला है, ये एयरपोर्ट के साइड वाला एरिया है एंड यहाँ हमारे ओडोमीटर में भी ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स होने वाला है। सो हम लोग 15th को निकले थे मॉर्निंग में 4 एंड अभी हो रहा है 2:15, 16 आज डेट है एंड बैंगलोर हम लोग घर पे आने वाले हैं। 10 मिनट का रास्ता रह गया, अराउंड 35 आवर्स लगा हम लोग को। बस मेरा घर अभी आने वाला है। आ गया मैं अपने घर यहाँ बैंगलोर में। टाइम हो रहा है अभी 2:30।